हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 7 है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज शुरू कर चुके थे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 केसी सिन्हा का। एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा, ठीक ना। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि 1/cosec थीटा -cot थीटा -1/sin थीटा = ये है 1/sin थीटा -1/cosec थीटा +cot थीटा। इतना हम लोग को प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग अरेंज करते हैं अच्छे से, ताकि जो है हम लोग को अच्छा से क्वेश्चन बन सके। तो अरेंज हम लोग कहने का मतलब किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। पहले क्या करते हैं, इस साइन वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, कॉसेक और कॉट वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, इसको उस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा -cot थीटा +1/cosec थीटा +cot थीटा = यह है 1/sin थीटा +1/sin थीटा एंड 1/sin थीटा। उन दोनों को क्या करेंगे, उधर ऐड करेंगे। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर देखिए हो जाएगा sin थीटा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2/sin थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 2 cosec थीटा। इतना को हम लोग यदि इतना प्रूव कर दें तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। अब इस तरह से इसलिए क्या कि हम लोग साइन को साइन के तरफ एक तरफ ले गए, कॉसेक कॉट को एक तरफ रखें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करें, इतना प्रूव करेंगे। तो देखिए LHS क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा -cot थीटा +1/cosec थीटा +cot थीटा। यदि LCM लेंगे बाबू, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा cosec थीटा -cot थीटा (cosec थीटा +cot थीटा। ये कटेगा तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा cosec थीटा +cot थीटा यहाँ पे (1) से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक कटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec थीटा -cot थीटा। देखिए cot cot कट गया, क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा 2 cosec थीटा। इसको ए समझिए, इसको बी, ए बी, ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा याद कीजिए, जो आइडेंटिटीज़ बताए थे उसमें बताए थे 1+cot² θ = क्या था, cosec स्क्वायर। इस cot को उधर यदि ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 = cosec² θ -cot² θ, तो इसका वैल्यू कितना है 1, तो उस वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 cosec θ / 1 = क्या हो गया 2 cosec θ। ये मेरा क्या चुका है, RHS आ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो था 8 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan θ/sec θ -1 + tan θ/sec θ +1 = 2 cosec θ।
इतना को हमको क्या प्रूव करना है, 2 कोसेक थीटा प्रूव करना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। LHS में क्या है, ये है tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1। ठीक, यदि यहाँ पे हम लोग LCM ले उस तरह ही बना सकते हैं, या तो इसको कर दे, tan को हम लोग लिख सकते हैं sin बाय cos में, तो sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sec को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 1 बाय cos थीटा माइनस 1 प्लस फिर से इस tan को लिख सकते हैं sin बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय इस sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, तो tan थीटा बराबर लिखे sin थीटा बाय cos थीटा एंड ये जो है sec थीटा बराबर लिखे 1 बाय cos थीटा, इस चीज़ को लिखे अभी। अब यदि यहाँ पे हम लोग LCM ले लें तो हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ पे LCM लेंगे बाबू, ये कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा प्लस यह हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यहाँ पे LCM लेंगे तो यह हो जाएगा cos थीटा, फिर से यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। देखिए यहाँ से मेरा क्या कट रहा है, cos थीटा, ये cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, तो हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। यदि LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये यहाँ पे क्या होगा, अब LCM लेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए टर्म कटेगा, ए बच जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा से, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा प्लस फिर ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक, यदि इसको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, sin थीटा प्लस ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा माइनस ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, मतलब ये भी मेरा a माइनस b का होल इंटू a प्लस b का होल हो गया है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब कितना है देखिए, कुछ कटर्म कट रहा है, देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में है, a माइनस में है, sin और sin कितना हो गया 2 sin, ये हो गया 2 sin थीटा। अब याद कीजिए 1 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पढ़े हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं यह हो जाएगा 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय यह हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या कट गया, यहाँ पे sin है, यहाँ पे sin स्क्वायर, 2 sin है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़, 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय sin थीटा। अब बताइए 1 बाय sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो 2 ये हो जाएगा cosec थीटा, यही मेरा क्या है RHS में क्या आ गया RHS, तो इसे लिख सकते हैं हैंस, ये जो दिया गया आइडेंटिटीज क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी है सिमिलर उसी तरह से, थोड़ा सा अलग होगा, आप घर में जो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, अब घर में आप अपने से ट्राई कीजिएगा, जिससे नहीं बनेगा तब उसको कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ये क्या है cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 टू tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा प्लस
फाइव साइन थीटा, ये हम लोग को लाना है। तो चलिए इसको हमको फिर से क्या करते हैं, एल एच एस सी से लेते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एल एच एस लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा प्लस टू इंटू क्या है टू टैन थीटा प्लस वन। टैन को हम लोग किस में बदल देते हैं, साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस टू इंटू टू। फिर से इस टैन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा प्लस वन। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो बच क्या जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो यह पहले हो जाएगा टू साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, क्योंकि सभी टर्म क्या है मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है। तो बच क्या किया यहाँ से, यह हो गया साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन इंटू साइन, तो क्या हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो टू टू जा हो जाएगा फोर, कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्या इन दोनों को हम लोग साथ रख सकते हैं, इन दोनों में देखिए क्या है मेरा टू कॉमन है, टू यदि उनमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किससे किससे बोल रहे हैं कॉमन लेने, तो इससे और इससे टू कॉमन ले लिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार है और फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फोर टाइम्स है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फाइव, हो जाएगा प्लस फाइव इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़ कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन, तो इसको लिख सकते हैं टू इंटू वन प्लस फाइव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये हो गया टू प्लस फाइव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये देखने से पता चल रहा होगा हम लोग का आंसर अब आ चुका है, कैसे यहाँ पे टू चाहिए था टू है, फाइव चाहिए फाइव है, लेकिन यहाँ सेक है, यदि इसको हम अलग अलग कर दें तो वन बाय कॉस क्या होता है सेक होता है, अलग अलग कर दीजिए तो टू इंटू हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो टू वन बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस फाइव साइन थीटा। ये क्या आ गया मेरा, देखिए मेरा क्या है आर एच एस आ गया है। तो इसे बोल सकते हैं कि हैंस ये जो दिया गया जो है आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर नाइन में वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दोनों हम साथ में लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सिर्फ इसको हिंट कर देंगे, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए इसको यदि सिर्फ क्या कर दीजिएगा एलएचएस में जो है ना, इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा, सिर्फ अलग अलग कीजिएगा। देखिए वन वहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कटेगा तो बचेगा क्या चीज़, वन बाय कॉस स्क्वायर बीटा, तो वन बाय कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा डायरेक्ट, ध्यान दीजिए हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। यहाँ से देखिए इसको यदि कीजिएगा अलग तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा कटेगा तो बचेगा क्या चीज़, वन बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस वन बाय कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा। अब जो है सेक स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, और सेक स्क्वायर अल्फा को लिख दीजिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सिर्फ इसको सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से वन और वन कट जाएगा, जो आपका लाना है आरएचएस में वो चीज़ आ जाएगा, ठीक ना, ये आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वह भी कोई क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए उधर आ जाएगा।
सॉल्यूशन करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 plus tan alpha tan beta का square plus, यह है tan alpha माइनस tan beta का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ब्रेक कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a मानिए, इसको b टोटल को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा tan alpha tan beta प्लस b स्क्वायर, मतलब इन दोनों पे स्क्वायर होगा। तो दोनों पे स्क्वायर ना देखा कि हम अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं इतना, ठीक ना। प्लस इसको ब्रेक करते हैं, इसको a मानिए, इसको b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 tan alpha tan beta प्लस फिर हो जाएगा b स्क्वायर, तो हो जाएगा tan स्क्वायर beta। देखिए यहाँ से कुछ टर्म कट रहा होगा, 2 tan alpha into beta प्लस में है, 2 tan alpha into beta ये माइनस में है, एक कट गया। तो बचा क्या चीज़, अब यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर alpha into tan स्क्वायर beta प्लस tan स्क्वायर alpha प्लस tan स्क्वायर beta। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस 1 को हम लोग किसी आ तो 1 के साथ tan स्क्वायर अल्फ़ा रखिए, आ तो tan स्क्वायर बीटा रखिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा भी sec स्क्वायर अल्फ़ा होगा और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा भी sec स्क्वायर बीटा होगा। और जो बच जाएगा यदि हम लोग अल्फ़ा को रखें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा एक जगह रख दें, बच क्या गया इधर, तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा। देखिए इन दोनों में भी क्या कॉमन है, tan स्क्वायर बीटा कॉमन है, तो बचेगा क्या चाहिए यहाँ से, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चा, tan स्क्वायर बीटा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया यहाँ से, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बचे क्या यहाँ से 1, फिर यहाँ बच गया प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब याद कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर बीटा। तो ये मेरा देखिए RHS में यही चीज़ है, तो ये मेरा क्या आ चुका है RHS, इसको वो लिख सकते हैं hence proved। ठीक, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, इससे हम लोग क्या लिखें, ये रिजल्ट लिखें, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा को sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को sec स्क्वायर बीटा। तो इस तरह से हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जो है 12 तो हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर स्टेप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 बजाता है क्वेश्चन नंबर 13, तो उसको भी क्यों छोड़े, उसको ही बता देते हैं। मतलब टाइप 1 में जो टोटली था वो क्लास 10 पर बेस्ड था, जो आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10 में, इसमें जो बोलता है क्या है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, यह है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हम लोग को प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन जो है कुछ भी जान नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको आप लोग भी जो है कोशिश करते चलिएगा कैसे इसको सॉल्व होगा। LHS ये क्या दिया हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए ऊपर में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, दोनों जगह से हम लोग कॉस कॉमन ले सकते हैं,
और इसको क्या कर सकते हैं, यदि वहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन लें क्या बच जाएगा बाबू, तो जाएगा 2 sin theta - 1। ठीक, अब इस 1 के साथ हम इसको रखते हैं कॉस स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि 1 - cos² का फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, 1 - cos² का साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा इसको हम लोग एक साथ रखते हैं 1 - cos² माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए इसको जो है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 - cos² का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 से लिखे हैं, तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 sin theta - 1, 1 - cos² हो जाएगा या साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 sin² तो ये हो जाएगा 2 sin theta - 1 हो जाएगा 2 sin² θ - sin θ। ठीक, अब देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, क्या कॉमन है बाबू, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 sin θ - 1, क्या कॉमन है, यहाँ भी साइन है यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, बच क्या जाएगा यहाँ से 2 sin θ - 1, 2 sin θ - 1, देखिए 2 sin θ - 1 ये कट गया, बच क्या गया अब यहाँ से, ये बच गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, देखिए यही तो लाना था ना, ये मेरा क्या हो गया RHS। इस तरह से बोल सकते हैं ये हम लोग को जो आइडेंटिटी दिया हुआ था ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, और इस तरह से हम लोग का जो टाइप 1 में जो दिया गया क्वेश्चन था वो टाइप 1 का सारा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो चुका कि टाइप 1 का जितने सारे जो प्रश्न थे वो हम लोग का जो है सॉल्व हो चुका है, जो टोटली जो है क्लास 10 पर जो बेस्ड थे। अब हम लोग का कुछ नया कुछ है, हालांकि सेम उसी तरह से है, अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को वहाँ पर डिफरेंट मिलेगा, वो है टाइप 2 हम लोग सीखेंगे। तो आज का वीडियो को हम यही जो है समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं जितने आज हम लोग पढ़े हैं वो सारा आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।